केंद्र सरकार जो बोल रही है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा, तो 20,000 रुपया में कौन हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ेगा? इतना महंगा फ्री लूट एयरलाइन के लोग कर रहे हैं दरभंगा एयरपोर्ट पर। अभी भी दरभंगा एयरपोर्ट का सिक्योरिटी BMP करता है, बिहार पुलिस करती है, CISF नहीं करता। क्या है जल संसाधन विभाग को, और उस रिव्यू में एक बड़े स्केल पर जल संसाधन विभाग के द्वारा और उसमें ग्रामीण रोड भी है और सोलर के लिए भी काम होगा, सोलर प्लेट्स के लिए, कि जितना हम लोगों का नहर है या जो हम लोगों का बांध है उस पर आपको उसका लाइनिंग कराना, क्योंकि पानी अंतिम छोर तक पहुँचे, उस पर रोड बनाना। वाल्मीकि नगर से हाजीपुर पूरा का पूरा एक रोड बन जाएगा जो हमारा बांध है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो काम करवाइए, और उसी नहर पर सोलर प्लेट लगाना, उसी से नहर पे बिजली भी जरेगी, और उसी नहर पे के चार्ट लैंड में नीचे जो ज़मीन रहता है वहाँ वृक्षारोपण कर चार्ट लैंड पर। तो ये एक बड़ा एम्बिशियस स्कीम प्रोजेक्ट जो है वो आगे बिहार सरकार इसको करने जा रही है। उसका मैं कागज़ लेके आया हूँ तो वो मैं शेयर कर दूंगा। और लास्ट पॉइंट एक मैं बता दूँ, दो चीज़, और ये आज आया है, ज़रूर आप लोगों को भी करना चाहिए, कि 2025 तक ये संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने कहा है कि भूजल की स्थिति बहुत ही बदतर हो जाएगी बिहार देश, तो जो इस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा जो ग्राउंड वाटर लेवल है, इसलिए इन सब चीज़ों को करना वो आवश्यक है, जो जल जीवन हरियाली का भी काम हुआ इसको लेके। और लास्ट एक पॉइंट है वो दरभंगा एयरपोर्ट, हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के, और ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो बोल रही है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा, तो 20,000 रुपया में कौन हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ेगा बताइए? जूता वाला भी नहीं चढ़ सकता, हवाई चप्पल वाला कैसे चढ़ेगा? इतना महंगा फ्री लूट एयरलाइन के लोग कर रहे हैं दरभंगा एयरपोर्ट पर, और कोई कंट्रोल नहीं है। जो हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इसका रेट जो है वो कम से कम 3,000-4,000 रुपया फेयर रहे, और अपर लिमिट भी तय कर दीजिए जो भी करना है, कैपिंग जो है 8,000-9,000। और बिहार सरकार अभी भी दरभंगा एयरपोर्ट का सिक्योरिटी BMP करता है, बिहार पुलिस करती है, CISF नहीं करता दरभंगा एयरपोर्ट का। तो सारा करने के बाद भी ये था कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो वो तो कैपिटल है नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी तो है नहीं दरभंगा, लेकिन छोटे शहरों में भी हवाई जहाज उड़े, क्योंकि लोगों को टिकट सस्ता मिलेगा, इतना नंबर वन एयरपोर्ट है। लेकिन आप रेट उठाकर देख लीजिए, पटना से डबल रेट दरभंगा का। उनको नहीं समझ में आता जो भी बोल रहे हैं, समझ गए? एयर टरबाइन उस सबको समझना पड़ेगा, एयर टरबाइन फ्यूल देश भर में हर एक राज्य का देख लेना कहाँ पर क्या है, लेकिन एयर टरबाइन फ्यूल दरभंगा में जो RCS फ्लाइट है उसमें 1% है, दरभंगा से दिल्ली 1% है, दरभंगा से मुंबई 1% है, दरभंगा से बेंगलोर 1% है। क्या इस फ्लाइट में, सिंपल बात है, टिकट सस्ता है जिसमें 1% है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है उसका? नहीं मिल रहा है। वहाँ प्लास्टिक का कुर्सी लगा हुआ है, वो भी जाकर देख लीजिए, 20,000 रुपया।